कहेंगे इस बारे में? नहीं बिल्कुल, बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो रहा था, बड़े लोग एंजॉय कर रहे थे और एक टाइम पे आके, मगर हमने ये कोविड की जो जिस तरीके से मैच होने चाहिए थे उस तरीकों को हम भूल गए। अर्ली ऑन हमने वो चीज की, उसके बाद ये था कि मैं देख रहा था कि सब मिक्स हो गए, सारा कुछ हो गया और किसी ने भी इस चीज को बॉदर ही नहीं किया कि ये मतलब किस तरीके से इसको है ना खेलना चाहिए था। और जगह भी हो रहा है दुनिया में, क्या और भी जगह हो रहा है, मगर उन्होंने एक स्ट्रिक्टली जो उन्होंने भी बनाई थी उसी के ऊपर है ना मतलब दारो मदार रखा। दुनिया में अभी भी हो रहा है, मगर मैंने ये वाकई, आप देखें कि जब यहाँ पाकिस्तान में हो जाता है मैचेस बड़े अच्छे हो जाते हैं, लोग एंजॉय, मगर हमने कोई ख्याल नहीं किया, हमने लोगों को आने दिया, बैठने दिया, प्लेयर्स भी साथ बैठे हुए थे, जिसकी वजह से, क्योंकि जो खतरा था वो खतरा मोल लिया और उसकी वजह से एक अच्छा वाला टूर्नामेंट होते हुए वो उसको स्टॉप करना पड़ गया। अच्छा जावेद साहब, ये फ्रेंचाइज ओनर्स का आपने बिहेवियर देखा था थ्रू आउट टूर्नामेंट? वो अपनी अपने आप के साथ तस्वीरें, लोगों के मॉडल्स के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे, दूसरे लोगों के साथ खिंचवा रहे थे, तो इसमें जिम्मेदारी फ्रेंचाइज ओनर्स की ज्यादा है या मैनेजमेंट की ज्यादा है जिसकी वजह से ये अमल हुआ? देखिए सबसे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, क्योंकि जो आदमी जो जो शख्स करा रहा है, अब लादी मारते कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन्वॉल्व था और क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था कि बिल्कुल प्लेयर की भी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी और स्पेक्टेटर्स जो थे उनकी भी जिम्मेदारी जो थी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो रन कर रहा था ये टूर्नामेंट उनके ऊपर थी, क्योंकि उनका काम होता है, तो इनको अपना है ना स्टाफ ज्यादा रखना चाहिए था और ये इसकी पहले रिहर्सल करते, देखते और बताते कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, इस तरीके से होनी चाहिए, मगर उसको हमने फॉलो नहीं किया। हालांकि आज भी हर चीजें हो रही है, मगर दुनिया में ये चीज बताई भी है, बताया जाता है कि आपने आज के दौर में जो ये कोविड जो अभी भी चल रहा है, हो रहा है, इसको किस तरीके से, एक तरीके का तो है ना, आज भी है ना लोग जो है, मैं समझता हूँ बिल्कुल हमारे यहाँ तो है ना उस चीज को ख्याल नहीं कर रहे, और वो SOP जो बताई गई है वो भी अभी नहीं कर रहे, क्योंकि लाजिम बात है कि आहिस्ता आहिस्ता और भी है ना रिलैक्स होते जा रहे हैं, मगर ये एक बड़ी खतरनाक चीज है। मैं समझता हूँ ये हर आदमी को इस चीज का अपने आप सोचना पड़ेगा और अपने आप को खुद लुकआफ्टर करना पड़ेगा, चाहे जो भी चीज है, मगर मैं समझता हूँ हर आदमी को अपने आप को लुकआफ्टर करना पड़ेगा। अच्छा कोरोना, ये कोरोना तो एक साथ साथ हमारे, हम जिंदगी में 2 साल से कोरोना को फेस कर रहे हैं, 1 साल से ऊपर अरसा हो गया, तो कोरोना से तो हर एक इंडिविजुअल आगाह है कि किस तरीके से सिक्योरिटी, किस तरीके से अपने आप को सेफ रखना है, अपनी फैमिली को सेफ रखना है, हाथ धोते रहना है, ये गवर्नमेंट बार बार बता रही है। क्या प्लेयर्स खुद इस चीज से आगाह नहीं थे कि क्यों वो अपने आप को इस रिस्क फैक्टर में इन्वॉल्व किया कि 7, 8, 10, 11 प्लेयर्स कोरोना पॉजिटिव हो गए? नहीं बिल्कुल स्ट्रिक्टली देखें, मैं समझता हूँ कि ये चीजें पहले से बताई जाती हैं और स्ट्रिक्टली ये चीज होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ खतरा है और खतरे को आपको पता है कि किस तरीके से लेना पड़ता है आपको। एक चीज खतरे में आपने की, उसके अलावा जब फॉलो नहीं करेंगे तो उसके बाद आपको यही होगा ना, इसका आंसर क्या हुआ, आपको बंद करना पड़ा, लोगों के लिए, प्लेयरों के लिए, सबके लिए मुश्किल हो गई, क्योंकि किसी ने बड़ा रिलैक्स होके है ना चीजें शुरू हो गई थी, होना शुरू हो गया था। आप देखें कि किस तरीके से है ना लोग एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे, मिले हुए थे, यानी कि पहले आपने किया हुआ था कि क्राउड नहीं होगा, फिर आपने क्राउड को भी, और लाजमी बात है क्राउड में पूरे इंक्लूजन में लोग बैठे हुए थे, तो ये चीजें ऐसी हैं कि ये चीजें हो भी सकती हैं और हो सकता नहीं भी हो रही हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि नहीं हो रही हैं तो आप जो जो बताया गया है उसको फॉलो ना करें। तो हमने, मैं समझता हूँ, फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से आपको आधे में जाके थोड़ा खिलाने के बाद जब पिच पे एक चीज जो गई थी, मैं समझता हूँ ये टूर्नामेंट होता ओनली टीवी के ऊपर लोग जो थे ना उनको देखना पड़ता, और वहां पर सिर्फ जो लोग जिस काम के लिए हैं उन लोगों को अलाउ किया जाता और थोड़ा सा उसके अंदर फासले रखे जाते, एक तरीके कार जो था उसको अपनाया नहीं। अच्छा जावेद साहब, ये एक इंटरनेशनल इवेंट है और दुनिया भर में इसकी फॉलोइंग है, तो क्या इमेज गया होगा दुनिया भर में, आप खेलते रहे दुनिया भर में, एक इवेंट जो चलता हुआ इवेंट और बीच में जाके रोक दिया जाए तो क्या इमेज जाता है स्पॉन्सर्स की नजर में, स्पेक्टेटर्स की नजर में और जो फैंस है उनकी नजर में? भाई इससे इससे ये हुआ था, स्पॉन्सर है,
अगर एक स्पॉन्सर ने वो पैसा खर्च करना है और सारा कुछ करना है, अब लादी माता अगर नहीं होगा तो स्पॉन्सर पैसे तो नहीं देगा। मैं नहीं समझता कि राइट, अब ये क्या है, मुसीबत पड़ जाएगी आपको, फिर आगे के लिए आपको स्पॉन्सर के लिए फिर आपको ढूंढना पड़ेगा, प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम तो आती है, क्योंकि आपको जब क्रिकेट में क्या होता है, जब हम भी थे, हमें देखे स्पॉन्सर को सबसे ज्यादा खुश रखना पड़ता है आपको। सारी दुनिया में स्पॉन्सर के आगे पीछे लोग होते हैं, वो इसलिए कि वो आपको स्पॉन्सर कर रहे होते हैं, आपको पैसा दे रहे होते हैं, आपको हर चीज दे रहा होता है, और जिसकी वजह से आपका टूर्नामेंट और आपके प्लेयर जो है वो चल रहे होते हैं, उससे आप कमा रहे होते हैं। और आपका ना लाजिम बात है कि मनी जब तक नहीं आएगी तो आप उसका कुछ कर नहीं सकते। तो स्पॉन्सर को बिल्कुल लुकआउट करना चाहिए, और मैं यही कह रहा हूं कि अब लाजिम बात है कि ऐसे पॉइंट पे ये मैचेस खत्म हुए हैं कि मैं नहीं समझता कि इससे क्रिकेट को फायदा हुआ या स्पॉन्सर को फायदा हुआ। तो मुझे लगता है कि ये स्पॉन्सर का और पीसीबी के दरमियान जो है, अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि दोनों जो पार्ट है वो खुश तो नहीं है। अच्छा जावेद साहब, ये एक टूर्नामेंट चलता हुआ रुक जाए, एक प्रिपरेशन होती है एक प्लेयर की, और वो बीच में रुकने के बाद फिर 2-3 महीने बाद 6 महीने बाद दोबारा कंटिन्यू करे, तो एक प्लेयर्स का रिदम कैसे ब्रेक होता है, मोराल वही रहता है या मोराल चेंज होता है? नहीं, टाइम लगता है, क्यों पिकअप करने के लिए लाजिम आता है कि टाइम लगता है। और खास तौर ये जैसे टूर्नामेंट है, जब ये स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट के बाद आपको पता डे बाय डे ये पिक करते हैं, आपके अंदर वो इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, टीमों में इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, प्लेयर जो है वो कोई अच्छे खेलना शुरू हो जाते हैं, कोई शॉर्ट कर रहा होता है, यानी कि एक क्रिकेट के माहौल में हर आदमी आ जाता है। और लाजिम बात है कि स्पॉन्सर्स होते हैं, और जिन जिन लोगों ने वो ली होती है उनके भी स्पेक्टेटर्स होते हैं, स्पेक्टेटर्स जो है वो आते हैं, चीयर करते हैं, मगर वो चीजें जब पिक कर रही थी और उसमें ये चीजें है ना आपको रोकनी पड़ी, तो लाजिम बात है कि आप अब अगेन आपको है ना ये चीजें स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर जहां आपने छोड़ा वहां से स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि जो पीक था और उसके बाद और आना था वो चीज आपको हासिल ना हो। अच्छा जावेद साहब, आपको क्या लगता है कितने अरसे में ये दोबारा हमें कंटिन्यू करके और इसको इस टूर्नामेंट को खत्म करना चाहिए, 1 महीना 2 महीने 3 महीने? क्योंकि इसमें हमें तैयारी तो वही तैयारी करनी पड़ेगी, कोरोना तो अभी नहीं जा रहा, कोरोना तो हमारे साथ अभी, जैसे वजीर आजम साहब ने, इमरान खान साहब ने बोला कि कोरोना जिंदगी का हिस्सा है, उस जिंदगी हिस्से में एहतियात इंपॉर्टेंट है, तो हमने एहतियात नहीं की, टूर्नामेंट हाथ से चला गया। अब इस टूर्नामेंट को कितना हम प्रोलॉन्ग करें, कितना हमें लॉस होगा, क्योंकि ये टूर्नामेंट होना और ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान की इमेज के लिए, स्पॉन्सर्स की बेनिफिट्स के लिए और प्लेयर्स की एक्टिविटी के लिए। नहीं, इसको बड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा आपको, क्योंकि लाजिम आते हैं कि आपने ये भी देखना है कि अल्लाह ना करे एक चीज़ तो आपने स्टॉप की है, ठीक है, आपको पता चला, अगर अगेन आप करते हैं और उसके बाद कुछ होता है तो आप फिर आपको समझ नहीं आएगी कि आप क्या करना चाहिए। तो मैं यही समझता हूँ कि इसके लिए मतलब इतना डिसीशन जो है वो आसान नहीं है और ना आसान लेना चाहिए, बड़ा मतलब सोच समझ के, क्योंकि अगर अल्लाह ना करे अगर आप दोबारा करते हो और ये चीज हो जाती तो लाजिम आता है कि आपका बिल्कुल ही मजा खत्म हो जाएगा, और हो सकता है कि फिर आप एक आंसर पे आ जाएंगे कि जी ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एसओपी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो स्ट्रिक्टली अगर आप कराना चाहते हैं तो स्ट्रिक्टली हर चीज होगी तो शायद कामयाब हो सकते हैं, वरना अगर आपका स्पेक्टेटर्स भी आ रहे हैं और इस तरीके से हो रहा है, लाजिम आता है कि एक चीज आपको ये मिल चुकी है तो लाजिम आता है कि आपका जो मेंटली जो है आपको जहन में ये चीज रहेगी कि अगेन ना हो जाए, अगेन ना हो जाए। तो इसका ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और आंसर देना इसका इतना आसान नहीं है, और इसको दोबारा लाना ना लाना ये भी इतना आसान नहीं है कि स्पॉन्सर के लिए भी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी। अच्छा जावेद भाई, एक आखिरी सवाल जो लोगों ने पूछा हुआ है, इस तमाम चीज का जिम्मेदार पीसीबी है या पीएसएल की मैनेजमेंट है, ये दोनों मैनेजमेंट एक दूसरे से कोऑर्डिनेट किए बगैर ये टूर्नामेंट कर रहे थे, ये साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे टूर्नामेंट को, तो इतना बड़ा ब्लंडर कैसे हो गया? नहीं, नंबर वन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान का बोर्ड है, राइट, पूरे पाकिस्तान की अवाम और जितने भी हैं सारी चीजें अंडर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है।
ठीक है, बाकी ये जो स्पॉन्सर्स होते हैं लाजमी बात है कि उनका भी अपना इंटरेस्ट होता है कि अगर वो स्पॉन्सर करते हैं तो वो चाहते हैं कि उनको माइलेज पूरा मिले। अब ये दोनों चीजें जो हैं, मगर आपका जो डिसीशन मेकर जो होगा वो लाजमी बात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होगा। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है अपने प्लेयर और अपने पाकिस्तान के अवाम और सबके लिए सोचना पड़ेगा। तो ये इतना आसान ये वो नहीं है कि इसका आप इतने आसानी से हर चीज जो है वो कर लेंगे। बड़ी सोच समझ के आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डिसीशन लेना पड़ेगा। अल्लाह ना करे अगर आप दोबारा ये कहते हो, कुछ ऐसी चीज होती है तो आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी सोच समझ के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डिसीशन लेना चाहिए। जब आप कन्विंस हो जाए अपने आप और देख लें तो फिर ये चीजें आनी चाहिए, वरना क्रिकेट जो है वो तो होती रहेगी मगर इंसान की लाइफ जो है वो नंबर वन पे, ये स्टेक नंबर वन पे है कि इसका आपने बहुत इसके ऊपर तवज्जो देनी है कि अल्लाह ना करे इस जो ये कोविड की वजह से किसी को, प्लेयर को या घर वालों को या लोगों को इससे कोई खतरात ना हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब।